हमने आपको पहले वाधवान फैमिली की खबर सुनाई थी कि किस तरह वो खंडाला से महाबलेश्वर पहुंचे थे और उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। आपको फिर से एक बार बता दें कि कपिल और धीरज वाधवान DHFL के प्रमोटर है। धोखाधड़ी केस में CBI और ED उनके खिलाफ जांच कर रही है। IPS अफसर की ओर से पास जारी होने पर वाधवान फैमिली के लोग लॉकडाउन के बीच 8 अप्रैल को खंडाला से महाबलेश्वर पहुंचे थे। पुलिस ने कपिल वाधवान और परिवार के 22 लोगों पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर केस दर्ज किया है और सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, मगर आज दोपहर 2 बजे कपिल वाधवान और पूरे परिवार का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है। इसके बाद CBI और ED के अधिकारी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार सुबह फेसबुक लाइव के दौरान ये जानकारी दी। वाधवान समूह के लोगों का क्वारंटाइन का समय खत्म हो रहा है। CBI और ED ने हमसे उनकी हिरासत की मांग की थी, हमने मंजूरी तो दे दी है, वो 2 बजे के बाद उन्हें हिरासत में लेके पूछताछ कर सकते हैं। आरोप है कि वाधवान परिवार को महाबलेश्वर तक जाने के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव IPS अमिताभ गुप्ता ने इमरजेंसी पास जारी किया था। इसी पास के मदद से CBI और ED से बचने के लिए खंडाला में छिपे वाधवान परिवार के 21 लोग के साथ 5 गाड़ियों में 8 अप्रैल को महाबलेश्वर स्थित अपने फार्म हाउस जा रहा था। वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था, और जब उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो चुका है उन पर कार्रवाई जारी है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।